वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला है आपको, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप ना करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, जिससे कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेहतरीन खबरें सबसे पहले सटीक अंदाज में जान सकें। गाइज, क्रिकेट के शौकीन लोगों में से लगभग सभी लोग जानते हैं कि क्रिकेटर को हर मैच के लिए कुछ मैच फीस मिलती है। लेकिन बहुत से क्रिकेट के शौकीन लोग यह नहीं जानते हैं कि जो स्टाफ मैच नहीं खेलता लाइक अंपायर, उसको कितनी फीस मिलती है। क्रिकेट में अंपायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक उंगली उठाते ही खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखाने वाले ये अंपायर भले ही खिलाड़ियों के जितने पॉपुलर ना हों, लेकिन इनका क्रिकेट के मैदान पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अंपायरिंग करना बहुत मुश्किल काम ही है। दो अंपायर मैदान पर होते हैं, वही एक थर्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर भी होता है। अंपायर मैदान के अंदर हों या मैदान के बाहर, खेल की बारीकियों पर उन्हें लगातार अपनी पैनी नज़रें रखनी होती हैं। अंपायर का लिया गया एक गलत फैसला उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देता है। उनके एक गलत फैसले से मैच का नतीजा तक प्रभावित होता है। इसलिए इस पेशे से जुड़ी जिम्मेदारियों को बड़ी ही सजगता से अवेयरनेस के साथ निभाना होता है। आपने भारतीय खिलाड़ियों के मोटे तगड़े पे स्केल के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप मैं जानते हैं मैदान पर दिन भर खड़े रहने वाले अंपायर की सैलरी कितनी होती है? तो यही बताने में आपके लिए हाजिर हूँ। गाइज, क्रिकेट के मैदान पर एक वक्त में दो एम्पायर्स होते हैं, इसके अलावा एक थर्ड एम्पायर होता है जिसे रिव्यू के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ICC के एलिट एम्पायर्स की सैलरी कितनी होती है। गाइज, ICC एलिट पैनल से रिलेटेड एक एम्पायर के लिए एनुअल इनकम 24 लाख रुपए से लेकर 31 लाख रुपए के बीच में होती है। गाइज, एम्पायर्स की अलग अलग फॉर्मेट की सैलरी होती है। जैसे कि टेस्ट मैच 5 दिनों का होता है तो वहीं वनडे मुकाबले व T20 मुकाबले जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में सभी फॉर्मेट्स के लिए एम्पायर्स को अलग अलग सैलरी दी जाती है। एक टेस्ट मैच में खड़े होने के लिए प्रत्येक एम्पायर को 2 लाख रुपए की फीस देनी होती है। वनडे मुकाबले में खड़े होने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वहीं T20 इंटरनेशनल में लगभग 70,000 रुपए मिलते हैं उनको। गाइज, इंटरनेशनल पैनल के एम्पायरों की बेसिक सैलरी 25 लाख के करीब होती है, जबकि इनके अलावा उन्हें मैच फीस अलग से मिलती है। एलिट पैनल के 12 एम्पायरों को ICC की तरफ से अलग सुविधाएं भी मिलती हैं। इन्हें मैच के दौरान आने जाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता। साथ ही एम्पायरों को परिवार के साथ साल में एक बार मुफ्त यानी फ्री में हॉलीडे भी दिया जाता है। दूसरी तरफ हर बोर्ड और हर सीरीज के लिए मैच फीस अलग अलग होती है, जिसका खुलासा नहीं किया जाता है। तो साथियों, ये थी एम्पायर से जुड़ी कुछ हटकर न्यूज। आई होप आपको पसंद आई होगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्ट।